नमस्कार आदाब, मैं मुक्ता आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आज के हमारे उर्दू की क्लासरूम में। आज का हमारा जो सेशन है वो कक्षा 9 के छात्रों के लिए, और जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका नाम है सुख की तान। और जो इस टॉपिक को पढ़ाने के एक्सपर्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे करा देना चाहती हूँ। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, ही इज PGT उर्दू एट हमदर्द पब्लिक स्कूल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आदाब, शुक्रिया। और हमारे दर्शकों से, हमारे छात्रों से मैं कहना चाहूंगी, अगर आपका कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न हो इस सेशन से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, सुख की तान से, तो आप जरूर हमें फोन करके पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8800440559, और हमारा ईमेल एड्रेस है जिसके द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वो है dth.class9@cit.nic.in। और आप चाहें तो हमारे इस प्रोग्राम को हमारे यूट्यूब चैनल NCERT ऑफिशियल पर भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये सत्र हम शुरू करते हैं और अपने एक्सपर्ट से जानते हैं, आरिफ सर से जानते हैं कि आज का ये जो हमारा टॉपिक है सुख की तान, उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम मतलब से शुरुआत करेंगे और जानेंगे सर इसे लिखा किसने। सर हाँ, आदाब, तमामी सामीन और नाजरीन को, ख़ास तौर से नवीं जमात के तलबा को मैं यहाँ मुखातिब करना चाहूँगा कि आज हम एक सबक लेकर हाजिर हुए हैं जिसका उन्वान है सुख की तान। जैसा कि आपने बताया, सुख की तान, देखिए सुख का मतलब तो आज हम सब जानते हैं कि सुख और दुख, जिस तरह से दुख है उसका अपोजिट जो है सुख है, तो सुख हो गया। और सुख की तान, तान का मतलब ये कि जब हम किसी चीज़ के अंदर जो है सुरीली आवाज़ जब हम सुनते हैं तो कहते हैं ये उसकी तान है। ख़ास तौर से ये मौसीकी का एक राग है, तो उसी तरह से जब सुख की, यानी अब सुख ने एक आवाज लगाई है, सुरीली आवाज, तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे इस नज्म या इस गीत के जरिए से कि सुख की तान के अंदर क्या बातें जो है इस शायर ने बयान की है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये खास तौर से हम ये बताना चाहते हैं अपने नाजरीन को कि ये सुख की तान एक गीत है, चूंकि इससे पहले हम लोगों ने नज्में पढ़ी हैं, बहुत सारी नज़में आपने इससे पहली क्लास में पढ़ी होंगी, गज़लें पढ़ी होंगी, रुबाइयात पढ़ी होंगी, आपने कतात पढ़ी होंगी, उसके अलावा बहुत सारी जो है गीत आपने सिर्फ नाम सुने होंगे लेकिन अभी पढ़े नहीं होंगे। तो आज हम ये चाहते हैं कि आपको पहले हम थोड़ा सा ये बता दें कि गीत किसे कहते हैं और गीत का क्या मतलब है। जिस तरह से आप शायरी की बहुत सारी असनाफ पढ़ते हैं, उसी तरह से गीत भी हमारी उर्दू शायरी में बहुत अहम रोल रखता है। इसके ज़रिए से उर्दू ज़बान व अदब को बहुत फ़र्ग मिला, ख़ास तौर से उर्दू शायरी को इससे बहुत फ़र्ग मिला है। तो आज हम शुरू करते हैं गीत से, पहले कि हम ये गीत हैं और गीत कहते किसे हैं। तो आइए बच्चों हम शुरू करते हैं गीत को, तो देखते हैं कि गीत किसे कहते हैं। गीत के लुग़वी माने हैं राग, भजन, नगमा, गाना या गाया हुआ, या जिसे गाया जा सके। तो ये हो गया इसका लुग़वी माने, यानी जब हम लुगत में गीत के माने तलाश करेंगे तो उसके माने हमें राग, भजन, गाना, नगमा, गाया हुआ, जैसे जिसे गाया जा सके, ये तमाम अल्फाज मिलेंगे। लेकिन जब हम इसे अदब की इस्तिलाह में ले जाते हैं, यानी जब हम इसे उर्दू शायरी या उर्दू सिंफ के हवाले से जब हम बात करते हैं, तब हम इसकी तारीफ ये करते हैं कि अशआर का ऐसा मजमूआ जो खुशी या गम के मौके पर या तीज त्यौहार पर गाया जाए। यानी जब हमारे अंदर जो है कोई खुशी की कोई लहर उठती है या जब हमें कोई गम लाहिक होता है, तो हम हमारे अंदर से एक अजीब सी हमारे दिल की एक आवाज़ निकलती है, गुनगुनाहट सी उठती है कि उस गम को हम किस तरह से बयान करें, या हमें जो खुशी हासिल होती है उस खुशी को हम कैसे दूसरों से शेयर करें। तो ये तमाम चीज़ें जो है एक अंदर से जो आवाज़ या जो अल्फाज निकलते हैं वो गीत की सूरत में निकलते हैं। अच्छा, ख़ास तौर से शायरों ने अपने जज्बात की अक्कासी की है इस गीत के ज़रिए से, और हिंदुस्तानी तहजीब की अक्कासी की है, हिंदुस्तानी माशरे की अक्कासी की है। अच्छा, ख़ास तौर से हिंदुस्तान में जब फसलों का की कटाई का वक्त आता है या फिर कोई त्यौहार आता है, मिसाल के तौर पर जो है होली है, दिवाली है, दशहरा है या ईद है, बकरा ईद है, इस तरह के जब त्यौहार आते हैं तो बहुत सारे इलाकाई सतह पर बहुत सारे गीत जो है राइज हो जाते हैं। उसके अलावा जब हम आप और आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो है हमारे यहाँ जब शादी ब्याह होता है तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे गीत होते हैं जिसको गाया जाता है। तो अच्छा, ये गीत जो है ना लिखे जाते हैं ना कहीं लिखे हुए मिलते हैं, बल्कि ये सीना बसीना जिसको हम कहते हैं कि यानी एक आदमी ने गाया और दूसरे आदमी ने उसे सुन लिया, फिर वो कहीं और गाया, फिर उससे कुछ लोगों ने सुना, तो इस तरह से ये चीजें जो है आगे बढ़ती रहती हैं। बिल्कुल सर, और जैसे कि आपने कहा कि हमने अपनी इस सेशन में अपनी उर्दू की जो हमारी क्लासरूम होती है उसमें हमने नज्म तो पढ़ी है, गजल भी पढ़ी है, रुबाइयां भी आप बिल्कुल हमने पढ़ी, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं गीत की। तो जैसा हमारा तहजीब है सर, उसका गीत से क्या रिश्ता है?
बिल्कुल, आज हम बस थोड़ी सी इसकी वजाहत करते चले कि गीत से हमारी तहजीब से क्या वास्ता है। जाहिर सी बात है गीत जो है हमारी तहजीब में बिल्कुल रचा हुआ है, या हम गीत के अंदर जितने भी लफ्जियात मिलेंगे या जो भी ख्यालात मिलेंगे उसका ताल्लुक हमारी तहजीब से है, यानी हमारी तहजीब से मुराद हिंदुस्तानी तहजीब से है, यहाँ की मिट्टी से है, यहाँ की आबो हवा से है, यहाँ के जो जुग्राफियाई हालात है उसके ऊपर है। यानी आप जो है ऐसे इलाके में जाए जहाँ पर सिर्फ जो है नमी है, या फिर ऐसे इलाके में जाए जो सूखा इलाका है, तो उस इलाके के अपने खास मकसूद गीत होते हैं जिसको हम लोग गीत के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है कि हमारी तहजीब का एक हिस्सा है। उसी तरह से आज हम एक और गीत लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, तो थोड़ी सी हम गीत के बारे में और आपको बयान कर दें तो अच्छा रहेगा ये समझने में। देखिए गीत के बारे में हमने लिखा है कि गीत के मुतालिक यहाँ पर क्या क्या बातें की जा सकती हैं। पहली बात यह है कि गीत उर्दू शायरी की एक सिंफ है। गजल और रुबाई की तरह गीत को भी दाखली शायरी के जेल में रखा जाता है। इसका मौसीकी से बहुत गहरा रिश्ता है, इसीलिए इसे गनाई शायरी कहा जाता है। गनाई शायरी से मतलब यह है कि जिसे गाई जा सके। इसमें ना तो मुबालगा होता है और ना ही तवालत, बल्कि मुख्तसर और सादे अंदाज में रोजमर्रा मुहावरों और मकामी जिंदगी का जिक्र करते हुए अवाम के जज्बात की अक्कासी की जाती है। उसके आगे ये है कि हमारे गीतों का ताल्लुक मौसमों, फसलों और मुख्तलिफ रस्मों से होता है। ख़ास तौर से शादी ब्याह के गीत बहुत मकबूल हैं। जबान और आहंग के एतबार से गीत में दिल को छू लेने वाली कैफियत होती है और इसके बोल आम तौर पर बहुत सादा होते हैं। गीत सिर्फ लिखे या पढ़े ही नहीं जाते, बल्कि वो सीना बसीना एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल भी होते रहते हैं। गीत की फजा रोमान परवर होती है और गीत की ये तरंग ऐसे तमाम मौजूआत में बरकरार रहती है जिनका वो याहता करता है। अब आगे देखिए गीत की और वजाहत हम और कर दें थोड़ी सी कि मौसमों के रंग, प्यार की तरंग, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ, उलझने और मुआशरे के मुख्तलिफ रूप वगैरह, ये तमाम चीज़ें मिलकर गीत के सतरंगी धनक बनाते हैं। गीत शायरी की वाहिद सिंफ है जिसको पढ़ने या समझने के लिए लुगत की ज़रूरत कम से कम पड़ती है। यानी कि जब हम गीत पढ़ते हैं तो वो हमारी तहजीब से इतना रचा हुआ होता है कि हमें ये लगता है कि इसके अंदर हमारे जज्बात की अक्कासी की जा रही है। तो उसके लिए हमें कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है कि हमें उसके लिए डिक्शनरी देखनी पड़े या लुगत देखनी पड़े कि कोई मुश्किल लफ्ज़ है। वो जो हम मुहावरे होते हैं, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, शायर उन्हीं अल्फाज के ज़रिए से गीत को तख्लीक करता है और उन्हीं लफ्ज़ियात को उसमें पिरोता है। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इसमें क्या है उर्दू अदब के हवाले से कि उर्दू अदब में इसका क्या रोल है। उर्दू अदब में बहुत से ऐसे गीत मशहूर हैं जिनके लिखने वालों के नाम नहीं मालूम, बल्कि वो सीना बसीना चले आ रहे हैं, लेकिन उर्दू अदब में इसकी एक तारीख रही है। उर्दू के गीत निगारों में अजमतुल्ला खां, हफीज जालंधरी, आगा हश, बहजाद लखनवी, आरजू लखनवी, अख्तर शीरानी, शाद आरिफी, एहसान दानिश, मीरा जी, सलाम मछली शहरी, राजा मेहदी अली खां, मुख्तार सिद्दीकी, कतील शिफाई, जमीलुद्दीन अली, अमीक हनफी, निदा फाजली वगैरह के नाम काबिले जिक्र हैं। तो ये हो गया कि गीत को उर्दू में क्या मकाम हासिल है। तो बहुत सारे शायरों ने गीत में अपने मजमूए शाये किए हैं और गीत में मतलब बहुत ज़्यादा कलाम उनके मिलते हैं, ख़ासतौर से निदा फाजली के यहाँ जो है उन्हें ये कहा जाता है कि ये गीतों के शायर हैं। तो इन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं। तो आइए अब हम आगे देखते हैं कि जो जिन्होंने इस नज्म को लिखा है इसके लिखने वाले कौन थे और उनकी ज़िंदगी के क्या हालात हैं थे, किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए इस नज्म को यानी इस गीत को तख्लीक किया है। तो ये लिखने वाले इसके मीरा जी हैं। मीरा जी उर्दू अदब के अहम शायर हैं, ख़ास तौर से नज़मों के हवाले से। तो इन्होंने गीत भी लिखे हैं, तो ये आज गीत के बारे में हमने पढ़ लिया। थोड़ी सी इनकी ज़िंदगी के बारे में हम नज़र डालते हैं कि इनकी ज़िंदगी कैसी रही। इनका असल नाम जो है, मीरा जी का असल नाम मोहम्मद सनाउल्ला डार था। वो 25 मई 1912 को लाहौर में पैदा हुए। उनका ख़ानदान कुछ नस्लों पहले कश्मीर से आकर गजरांवाला में आबाद हो गया था। मीरा जी के वालिद मुंशी महताबुद्दीन रेलवे में ठेकेदारी करते थे। मीरा जी की वालदा का नाम सरदार बेगम था। माँ से मीरा जी को बहुत मोहब्बत थी। मीरा जी को निसाबी किताबों से कोई दिलचस्पी नहीं थी, जबकि दूसरी अदबी और इल्मी किताबों का बहुत शौक था। वो मैट्रिक का इम्तिहान
नहीं पास कर सके, लेकिन अदब की बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर पढ़ रखी थी। बाप की मर्जी के खिलाफ मौलाना सलाहुद्दीन के रिसाला अदबी दुनिया में 30 रुपये माहवार पर मुलाजमत कर ली और यहीं से उनकी अदबी सफ़र का आगाज़ हुआ। अदबी दुनिया में काम करते हुए मीरा जी ने बहुत से मगरबी और मशरकी शोरा की ज़िंदगी और उनके अदब से उर्दू दुनिया को बाखबर कराने के लिए मजामिन लिखे और उनकी तख्लीकात के तर्जुमे किए, जो बाद में मशरिक़ व मगरिब के नगमे के नाम से किताबी शक्ल में शाये हुए। इनके तनकीदी मजामीन ने कारीन को मुतवज्जा किया। लाहौर में स्कूल के ज़माने में उनको एक बंगाली लड़की मीरा सेन से इश्क हो गया। इसी नस्बत से उन्होंने अपना तखल्लुस साहिरी से बदल कर मीरा जी रख लिया। मीरा जी ने अपने इस जुनूनी इश्क का बड़ा ढिनोरा पीटा, यानी इनकी नज़मों और गीतों में इसका जिक्र खूब मिलता है। मीरा जी 1938 से 1941 तक अदबी दुनिया से वाबस्ता रहे। 1941 में इनको रेडियो स्टेशन लाहौर पर मुलाजमत मिल गई और 1942 में इनका तबादला दिल्ली रेडियो स्टेशन पर हो गया। यहाँ इनकी माली हालात बेहतर हो गए थे, लेकिन दूसरी तमाम बुरी आदतें जारी थीं। इनको अपनी तमाम बुरी हरकतों की तशहीर का भी शौक था और ऐसा करके वो लुत्फ हासिल करते थे। मीरा जी मशहूर अदबी हलका अरबाब ज़ौक के बानियों में थे, जिसने शायरी में जदीद रुझानात को फ़रोग दिया। उन्होंने अख्तरुल ईमान के साथ मिलकर रिसाला ख्याल निकाला, जिसके चंद ही शुमारे शाये हुए। मीरा जी ने हिंदुस्तान की दीगर ज़बानों के साथ साथ मगरबी अदबी रुझानात, जदीद नफ्सियात और हिंदू देव माला की रूह को अपने अंदर जज्ब करके उसे खालिस हिंदुस्तानी ज़बान का जामा पहनाया। मीरा जी के नज़मों के मजमुओं में मीरा जी की नज़में, गीतों का मजमुआ गीत ही गीत, पाबंद नज़में, नज़मों का इंतखाब, तीन रंग वगैरह काबिले ज़िक्र हैं। इसके अलावा नसर में उन्होंने दामोदर गुप्त की कदीम संस्कृत किताब कुटनी मत्तम का तर्जुमा निगार खाना के नाम से किया। इसके अलावा मशरिक व मगरिब के नगमे और इस नज़्म में काबिले ज़िक्र हैं। हिंदुस्तान और यूरोप के नए पुराने शायरों पर बहुत अच्छे मजामीन लिखे। मीरा जी की बहुत सी शायरी में जिनसी ख्यालात और तजुर्बात पेश किए गए हैं। तो इस तरह से मीरा जी की शख्सियत का अंदाज़ा होता है। और उसके अलावा फिर इनका इंतकाल 30 नवंबर 1949 को मुंबई यानी महाराष्ट्र में हो गया। तो ये इनकी ज़िंदगी थी, किस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी को जो है, ख़ास तौर से इन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो है वो जो इनका जो मनफी पहलू था ज़िंदगी का, उसका इन्होंने बहुत ही ढिंढोरा पीटा, लोगों को बताया कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं। और इन्हें बताते हैं कि ये लोग बताते हैं कि इनको एक ऐसी बंगाली लड़की से इश्क हो गया जिसको इन्होंने देखा नहीं था और जिसका नाम मीरा सेन था, और उसी की ख्यालात में हमेशा ये गुम रहते थे। यहाँ तक कि इन्होंने अपने बाल बढ़ा लिए थे, इन्हें नहाना धोना सब भूल कर एक अजीब दुनिया में ये रहते थे। तो अब सोचिए, एक ऐसा शायर जो है जो अजीब अपनी दुनिया में मस्त रहता है, वो जब तख्लीकी कुव्वत को या अपनी तख्लीकात को जब जाहिर करता है तो उसके अंदर बहुत तवानाई होती है, उसकी तख्लीकी कुव्वत बहुत ज़्यादा जो है बेदार होती है। तो आइए, जो उन्होंने गीत लिखा है उस गीत की तरफ हम चलते हैं और गीत पढ़ते हैं। गीत का उन्वान है सुख की तान। तो हम पहले इस गीत को पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम एक एक बनपो या एक एक दो दो मिसरा इसकी तशरीह करेंगे। तो नज़्म यानी गीत इस तरह से ये शुरू होता है कि अब सुख की तान सुनाई दी, एक दुनिया नई दिखाई दी, अब सुख ने बदला भेस नया, अब देखेंगे हम देश नया, जब दिल ने राम दुहाई दी, एक दुनिया नई दिखाई दी, इस देश में सब अनजाने हैं, अपने भी यहाँ बेगाने हैं, पीतम ने सबसे रिहाई दी, एक दुनिया नई दिखाई दी, हर रंग नया हर बात नई, अब दिन भी नया और रात नई, अब चैन की राह सुझाई दी, एक दुनिया नई दिखाई दी, अब अपना महल बनाएंगे, अब और के दर पे न जाएंगे, एक घर की राह सुझाई दी, एक दुनिया नई दिखाई दी। तो ये हमने इसकी जो है करत कर ली, जिसे कहते हैं हमने इसे पढ़ लिया, यानी अब हमने इस नज़्म की करत कर ली है। और अब ये देखिए, इसको पढ़ने के बाद ये लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो बार बार उसे उकसा रही है कि
आप जो है कुछ घर बनाने के बारे में बात हो रही है, कुछ करने के बारे में, नई दुनिया की बात हो रही है यहाँ पर, तो आप हम एक एक बंद को यानी एक एक लाइन को इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें शायर ने क्या क्या बात बताई गई। तो पहली लाइन है कि अब सुख की तान सुनाई दी, यानी इसने शायर ने ये कहा है कि अब सुख की तान सुनाई दी, यानी इससे पहले सुख की तान हमें नहीं सुनाई दी, यानी हमारे पास दुख था, हम दुख और परेशानी में मुब्तला थे, अब जो है क्या हुआ, अब सुख की तान अब हमारे अंदर, यानी हमारी, अच्छा खास तौर से जब तान जिसे हम कहते हैं ये मौसीकी से इसका ताल्लुक है, म्यूजिक से इसका ताल्लुक है, तो म्यूजिक क्या है कि हमारी रूह को ये कुवत फराहम करती है, हमारी रूह को तकवियत बख्शती है, हम वो जो है ना म्यूजिक क्या है, इंसान की जो अंदर की जो उसका जमीर है उसे हिला के रख देती है। तो अगर हम खास तौर से कोई म्यूजिक ऐसा सुने जब अकेले में हो तो ऐसा लगता है कि हम एक अजीब दुनिया में खो जाते हैं। तो देखिए ये एक बड़े फनकार की और एक बड़े शायर की यही खासियत होती है कि वो उसके अंदर जो है किस तरह से म्यूजिक को उसके अंदर जज्ब कर दिया है कि पढ़ने वाले का दिल यानी दिल के साथ साथ उसकी रूह को जो है गिजा फराम हो, उसकी रूह को जो है ताकत मिले। तो यहाँ पर शायर ये कह रहा है कि यानी इससे कबल अब हम दुख में थे, परेशानी में थे, मुसीबत में थे, अब सुख की तान सुनाई दी है और अब हम हमारी रूह को अब सुकून मिला है। अब आगे देखिए क्या होता है कि एक दुनिया नई दिखाई दी, जब हमारे अंदर सुख की उम्मीदें या सुख की रोशनी हमें जो है ऐसा लगा कि अब हमारे हमारे दिन अब फिरने वाले हैं और अब हमें सुख मिलने वाला है, तो अब हमारे लिए एक नई दुनिया, अरे हमने एक नई दुनिया बना ली अपने अंदर कि अब हम ऐसी दुनिया में रहेंगे जहां पर सुख होगा, जहां पर सुकून होगा, जहां पर अमन होगा, जहां पर शांति होगी। तो अब आगे देखिए क्या कह रहा है शायर कि अब सुख ने बदला भेस नया, यानी अभी तक सुख ने एक दूसरा भेस बना रखा था, उसकी 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 सूरत दूसरी थी, अब शायर ये कह रहा है कि अब सुख ने बदला भेस ने, अब वो नए भेस के साथ यानी नई शक्ल के साथ नई सूरत के साथ नजर आ रहा है सुख, अब देखेंगे हम देश नया, यानी अब ये शायर कहने मतलब कि अब देखेंगे हम देश नया, यानी इससे पहले हमने जो देश देखा था वो देश कोई नया नहीं था, पुराना देश था, पुराने का मतलब ये था कि यहाँ पर जो है बहुत सारी जो है परेशानियां थी, यहाँ पर मुसीबतें थी, यानी इस मिसरे से शायर ये कहना चाह रहा है कि यानी अब हमें आज़ादी मिल गई है और अब हम आज़ाद होने के बाद एक मतलब ऐसी जिंदगी गुजारेंगे, ऐसी दुनिया में जिंदगी गुजारेंगे जो नई होगी, यानी आज़ादी मिलने के बाद जो हिंदुस्तान हमें मिला वो बिल्कुल नया था क्योंकि उससे पहले जो है गुलाम थे। तो इसमें शायर कह रहा है अब देखेंगे हम देश नया, अब हमारी आंखें जो है एक नया देश, एक नया मुल्क देखेगी। जब दिल ने राम दुहाई दी, और अब दुहाई देना का मतलब यहां पर है यानी खुदा की मदद हासिल होना, यानी खुदा की पनाह में आना, और इसे हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब हम किसी से उम्मीद लगाते हैं, किसी से फरियाद करते हैं। तो शायर ये कह रहा है अब हमने खुदा से फरियाद की, खुदा से हमने दुआ मांगी और दुआ मांगने के बाद हमने खुदा से ये कहा कि हमें जो है सुख अता कर दे ताकि हम सुकून से और अमन से जिंदगी गुजार सकें। तो जब दिल ने राम दुहाई दी, अब हमारे दिल से ये आवाज़ आ रही है कि खुदा हमारी मदद के लिए तैयार हो गया है और अब हम अपने आप को एक नई दुनिया में दाखिल करें और एक नई दुनिया से लुत्फंदोज हो, एक नई दुनिया से दुनिया का मजा लें हम। तो सर यहाँ पे नज्म को, ये जो गीत है उसको आगे बढ़ाने से पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी, जितना अभी तक हमने इस गीत को पढ़ा है, आपने समझाया है, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शायर जो है आजादी से पहले जो गुलामी थी हमारी उसको अपने दुख का उन्होंने वो बताया अंतराल, और जो अब उनको सुख की, जैसे आजादी की बात यहाँ पर हो रही है तो उनको उसने सुख से जोड़ा है। बिल्कुल, बहुत सही जी, बहुत सही आपने कहा कि जाहिर सी बात है कि उससे पहले क्या था, गुलामी थी और इंसान जो है परेशान पुरसाने हाल नहीं था, मतलब कि हर तरफ जो है नफसा नफसी का आलम था, लोग मुसीबत और गम में थे, इस मुल्क को आजाद कराने के लिए ना जाने कितने लोगों ने फांसी के तख्ते तक गए, कितने लोगों ने जेल में गए, कितने लोगों ने कुर्बानियां। तो ये सब ये चीजें तो हम तो तारीख के हवाले से जानते ही हैं। तो अब देखिए एक शायर जो है किस तरह से इसको देखता है कि आजादी को अब किस नजर से देखता है, वो कह रहा है कि एक नई दुनिया हमें मिल गई है, अब उस दुनिया को, उस दुनिया से हम लुत्फंदोज होना है, उसमें हमें अपना घर बनाना है और हमें अपना घर किस तरह से बनाना है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि एक दुनिया नई दिखाई दी और अब हमें एक नई दुनिया दिखाई दे रही है। आगे देखिए क्या कह रहा है, इस देश में सब अनजाने हैं, यानी यहाँ पर अभी तक क्या है कि सब लोग अनजाने हैं, अब जब ये मुल्क आजाद हो गया है तो सब अनजाने हैं, इस अनजाने मुल्क में हमें लोगों से अपना रिश्ता बनाना है, लोगों से जान पहचान बनानी है, लोगों को जो है जो अजनबियत थी हमारे अंदर उसे खत्म करके हमें एक दूसरे के साथ शामिल होना है। यानी हमें यहाँ पर देखिए शायर जो है ना इत्तेहाद की बात कर रहा है कि हमें एक साथ मिलकर जो है एक नई आवाज के साथ, एक नई उमंग के साथ इस मुल्क का इस्तकबाल करना है और इस मुल्क को हमें सजाना है।
इस देश में सब अनजाने हैं, अपने भी यहाँ बेगाने हैं, यानी जो अपने भी थे वो भी उस वक्त बेगाने थे, और अब हालात बदल रहे हैं। अब आगे क्या करा, पीतम ने सबसे रिहाई दी। अब जो उसका पीतम यानी उसका महबूब है, पीतम का मतलब ये आजकल ये लफ्ज बहुत आम होता जा रहा है कि पीतम मतलब अपने महबूब को लिए जिस पर वो फिदा है, या खासतौर से शौहर के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो यानी वो एक अब ये कह लीजिए यहाँ पर शायर जो है ना, वो गीत का जो रंग होता है कि गीत के अंदर जो है इंसान के जज्बात होते हैं, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक औरत है या एक कोई लड़की है जो अपने महबूब से, वो कह रहा है कि उसके महबूब ने उसे रिहाई दे दी। रिहाई देने का मतलब ये कि उसे आजाद कर दिया कि अब तुम अपनी जिंदगी जी सकती हो। तो यहाँ पर ये कह रहा है पीतम ने सबसे रिहाई दी, एक दुनिया नई दिखाई दी। अब जब उसके उसके महबूब ने उसे आजाद कर दिया तो उसे एक नई दुनिया दिखाई दी। हर रंग नया, हर बात नई, अब दिन भी नया और रात नई। तो अब ये कह रही है कि अब जब उसने रिहाई दे दी, जब अभी तक तो क्या था, वो उसके साथ थी, लेकिन अब जब क्या, जब उसने आजादी दे दी उसे, तो उसके बाद क्या हो गया, अब हर रंग नया, यानी जो रंग पहले उसमें वो देखा करती थी, अब उसको वो नया दिख रहा है, उसके अंदर कुछ नया पन आ गया है। इसी तरह से जो बात होती थी पहले वो पुरानी लगती थी, अब उसी बात को उसे वो नई लगने लगी है। इसके बाद जो है उसने कहा कि अब दिन भी नया और रात भी नहीं, और दिन और रात जो हमें दिख रहे हैं इसके अंदर एक कशिश है, यानी एक रोशनी दिखाई दे रही है उसे। अब चैन की राह सुझाई दी, एक दुनिया नई दिखाई दी। अब कह रहे हैं कि अब हमें जाके चैन की राह, यानी अब हमें सुकून की राह दिखाई दी, यानी अभी तक हमारे अंदर बेचैनी थी, अभी तक हम जो है दूसरी कैफियत से गुजर रहे थे, अब हमें सुकून मिला है और अब हमें चैन की राह दिखाई दे गई है, एक दुनिया नई दिखाई दी। अब अपना महल बनाएंगे, अब और के दर पे न जाएंगे। और के दर पे जाना, देखिए ये एक मुहावरा है, इसे हम बता दें कि किसी के सामने हाथ फैलाना कैसे, किसी के दर पे हम नहीं जाएंगे, यानी किसी के सामने हम हाथ नहीं फैलाएंगे, किसी से भीख नहीं मांगेंगे। तो शायद इसमें ये भी कह रहा है कि अब हम जो है आजाद हो गए, अब हम अपना घर बनाएंगे, अपना महल बनाएंगे। यहाँ महल बनाने का मतलब यही कि अब हम अपने मुल्क की खिदमत करेंगे, अपने मुल्क को सजाएंगे, इसकी आबियारी करेंगे और इसे खूबसूरत बनाएंगे, और हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, किसी से अब हम मदद नहीं मांगेंगे, बल्कि अब हम खुद अपने आप को इस लायक बनाएंगे कि अब हम खुद दूसरों की मदद कर सकें। एक घर की राह सुझाई दी, एक दुनिया नई दिखाई दी, और फिर हमें जो है एक ऐसे घर की राह दिखाई दी, यानी अब हमें अपना घर मिल गया है, अब हमारा मुल्क आजाद हो गया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें अपना घर बना सकते हैं और इसमें हम अमन और सुकून के साथ रह सकते हैं, एक नई दुनिया दिखाई दी। यानी इस तरह से शायर ने इस पूरे नज़्मे अपने घर बसाने की बात कह रहा है और अपने आप को सुकूनत अख्तियार करने की बात कह रहा है कि हम किस तरह से इस मुल्क में अपने आप को रख सकते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे जो इस नज़्म में, इस गीत में बात हुई है अपना घर बसाएंगे, मैं समझती हूँ कि इसको उन्होंने देश से जोड़ा है, और मैं समझती हूँ बहुत ही गहरा संदेश इसमें था। उन्होंने अपने सुख दुख को अपनी देश की आज़ादी और गुलामी से जोड़ा है। सो वो बहुत ही यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल, आज हमने एक कविता पढ़ी, एक गीत पढ़ा, और इसका जो नाम था सुख की तान, आज वो हमने अपने दर्शकों तक पहुँचाई अपने एक्सपर्ट के द्वारा। तो उसके लिए मैं एक बार फिर से अपने एक्सपर्ट आरिफ सर का फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी आज हमारे साथ। मैं इसमें बस और बता दूं आपको, इसमें कुछ मुश्किल लफ्ज है ये आप जानते हैं, उसके अलावा गौर करने की बात है, बस गौर करने की बात मैं यहाँ पर जो है पढ़ देना चाहता हूँ कि इस नज़्म में एक सीधी सादी हिंदुस्तानी लड़की के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी की गई है, जो एक नई जिंदगी के अरमान लिए हुए जिसमें वो अपना घर बसाने का ख्वाब देखती है और वो गुनगुनाती है। उसके बाद कुछ सवालात हैं, इन सवालात का आप जवाब अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और इसे लिखिए, जरूर लिखिए। उसके बाद कुछ अमली काम है, आखिर में अमली काम में ये कहा गया कि इस गीत को बुलंद आवाज से पढ़िए, इस गीत के पहले बंद को खुशखत लिखिए और इसका मतलब भी लिखिए और गीत को जबानी याद कीजिए। तो इस तरह से ये हमारा सबक मुकम्मल होता है। बिल्कुल सर ने गीत तो पढ़ा ही दिया, आपको मतलब समझाया हमने पूरी गीत का, तो जैसे सर ने होमवर्क दिया तो आप जरूर उसे अपनी बुक में जो है उसे जरूर पूरा करिएगा। तो हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, जल्द से हम हाजिर होंगे अपने अगले सत्र के साथ, लेकिन एक बार फिर से मैं अपने एक्सपर्ट का धन्यवाद करना चाहूंगी आज हमारे साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। तो बस दर्शकों, अब हमें दीजिए इजाजत, अब देखते रहे NCERT ऑफिशियल और PMA विद्या चैनल। नमस्कार।